हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो हम अब जा रहे हैं अपने होम टाउन, अपने ससुराल में। उसके बाद एक घर में शादी है, वहाँ जाएंगे हम। तो हम जा रहे हैं यहाँ से, मेरा गांव कैसा है जहाँ मैं शादी करके आई थी, सारा बताऊँगी जाके उधर। और रास्ते में जो मुझे व्यूज़ मिलेंगे वो भी दिखाऊँगी, उसमें कैद करूँगी। चलते हैं हम। तो हम पहुंच रहे हैं, ये कौन सी जगह है? करण नगर बोलते हैं ना इसको, करण नगरी बोलते हैं। इधर से हम निकल रहे हैं सिटी से। अब ऐसे टर्न करते ही देखना, सुनसान ऐसे लगना जैसे सिटी के हम पार कहीं जंगल में पहुंच गए। थोड़ी देर बाद इनका ऑफिस, हेड ऑफिस है ना, हेड ऑफिस है इधर आपका, वहाँ है। देखो ऑफिस नहीं बता सकती मैं, सिक्योरिटी कोड होता है, नहीं बता सकते ना, बिल्कुल नहीं बता सकते। वीडियो हम दूसरी साइड कर दिया, ऑफिस की तरफ नहीं कर सकते भाई। हाँ चार्जर डाल लिया मैंने, हमारे जम्मू वालों को तो पता डोगरी बोल रहे हैं, बट पाया मतलब डाला। जो बाहर के लोग हैं, बीजू दोस्त बोल रहे थे ना, बाकी बातें नहीं, आपकी पापा की बातें नहीं समझ आई। पापा ने क्या बोला, आज पहुंच गई हूँ मैं अपने ससुराल में जहाँ मेरी शादी हुई थी, मैं आज वहाँ की वीडियो बना रही हूँ, सुबह का टाइम है, बताती हूँ मेरी शादी कहाँ हुई थी, और बाबा रूम भी बताती हूँ जहाँ मैं शादी करके पहले दिन अपने रूम में आई थी। और अब मिल लो मेरे देवर जी से, मेरे देवर जी हैं। हेलो गुड मॉर्निंग बोलो ना। हेलो जी गुड मॉर्निंग। ये देवर जी हैं मेरे जो इधर रहते हैं गांव में, ये मेरे साहब जो शेव कर रहे हैं अपने घर में, इनकी क्या डैल है, इनका हुस्न ही अलग है भाई। हेलो गुड मॉर्निंग करो, जय माता की कर दो जी, इधर देख के करो जी, देख के करो इधर करो, जय माता। ये हमारा गेट है पुराने वाला, उस वक्त ये भी बड़ी शौक से बनाया गया होगा टाइम के मुताबिक। भाई ये मेरा रूम है जहाँ मैं शादी करके आई थी, मेरा बेडरूम था। अब देवर जी खो रहे हैं ताला, बोलते हैं अंदर स्टोर बनाए हुआ है, कूड़ा पड़ा है। मैंने बोला कोई बात नहीं, स्टोरी से ही सिर्फ बताना है थोड़ा सा मैंने। ये देखो ये मेरा बेडरूम, अब तो एज ए स्टोर बन गया है। लाइट जलाना, इधर लाइट नहीं है, बेड मैं खुद गिरने वाली थी भाई। तो इसके अंदर एक और कम छोटी सी खिड़की है बीच में, ये अदरक लगा हुआ है, इधर लगाए लीची की, इसमें अभी बाद में लगाएंगे ना, इसमें लगा के फिर उन्होंने दूर दूर लगाने हैं। ये लीची का पेड़ है, ये भी लीची का पेड़ है। हम जा रहे हैं अब हनुमान जी के मंदिर, जो हमने बताया था वहाँ जा रहे हैं। जैसे जम्मू मंदिरों का शहर है, हमारा अयोध्याल गांव है, ये भी मंदिरों का गांव है। इधर भी इतने मंदिर, अगर मैं मंदिर गिनाने आऊँ इतनी पॉपुलेशन नहीं होगी जितने इधर मंदिर बन गए हैं। बहुत जगह जगह मंदिर है। मेरे साहब के क्लासमेट हैं, पर दुकान खो रहे हैं अपनी, ये गाँव में दुकान ही करते हैं। जगन्नाथ जी का मंदिर है, बड़ी दूर दूर से इधर आते हैं हमारे मंदिर में जग वगैरह करने, भंडारा करने, इधर बड़ी दूर दूर से जम्मू के लोग भी इधर ही आते हैं सारे। हाँ क्या नाम है इसका? अच्छा एक खेत है, एक पहाड़ी, देखो कितनी बड़ी बड़ी पहाड़ियाँ ऐसे करके, कितनी बड़ी बड़ी और दूर से इतनी अच्छी लग रही है। चौंतरा माता इधर ही है ना? हाँ लंबनी पहाड़ियाँ। पहुंच गए हैं, इसका नाम है जगह का लंका है। हाँ ये बोड़ी का पेड़ है, इसके नीचे है ना बोड़ी का पेड़ है। आखिरकार हम पहुंच गए हैं उसके दरबार में। हनुमान के मंदिर में तालाब है, पानी थोड़ा कम हो गया। और इधर गांव की औरतें सारी नहाने आती, जो बड़े बड़े दिन होते हैं बैसाखी लोहड़ी वगैरह। सीढ़ियां बनी हैं इधर भी, इधर नहाने आते थे। टाइम टाइम की बात है भाई, अब पानी ऐसे हो गया, साफ होता है, साफ पानी बड़ा सुना पानी होता है, साफ है। सावन महीना लाने आना, अच्छा सावन महीना शुद्ध महीना माना जाता है ना,
इधर आते थे नहाने, जंगल में लकड़ियां लेने आते थे साहब मेरे, और वो चूल्हा जलाते थे, फिर सारा खाना खाते थे उसपे। तो बहुत टाइम हो गए, बच्चे बोलते ना, मम्मा पापा बोलते लकड़ी, हम कहाँ जाए अब लेने, पापा अपनी बातें करते हैं, है सुनाते गा जलाने बोलते बच्चे, अजकल के बच्चे बोलते हम कहाँ जाए अब लेने, टाइम टाइम की बात है ना। उस वक्त हर किसी घर का अमीर गरीब सब जाते थे भाई लेने, ऐसे दोस्त मेला होना जंगल में, खाना बना के ले जाना खाना इन्होंने। हनुमान बड़े बलवान करते सबदा कल्याण, बोलो राम 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 बोलो राम राम राम। हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं और मेरे बीच में हनुमान चालीसा। बाबा जी भोग लगा रहे हैं अब हनुमान जी को। बाबू जी कितना वर्ष हो गया यहाँ आपको? अभी 29 साल हो रहा है। इधर 29 साल और क्या। तो जेले कुटी यहाँ शुरू किया था, बाबा ने ले आंदा था, इन्हें ले आंदा अभी बाहर ये कच्चा कमरा बनाया था। अच्छा, कच्चे कमरे में आए थे आप, फिर उसके बाद कलेक्शन वगैरह के लिए। बाबा ये आपकी ना मंदिर में क्या बोलना, सारे बड़ी सिफ्त करते हैं, बहुत सिफ्त करते हैं। मन खुश हो गया, मन प्रसन्न हो गया दर्शन करके हनुमान जी का। जब बाबा जी आए थे तो उस वक्त कच्चा ऐसे मकान था, 29 साल पहले आए थे। अब देखो कितना अच्छा हो गया, भगवान चाहे और अच्छा हो। और पहाड़ियों के बीच ये जगन्नाथ जी का मंदिर है, जो मेरे ससुर के बुआ जी ने मंदिर बनाया, मूर्ति किसी और ने लाई थी, जो मंदिर है वो उन्होंने बनाया था, पैसा दिया था। वो रामनगर में उनकी शादी हुई थी तो उन्होंने इधर पैसा लगा के, उस पैसे की प्रॉब्लम ही होती थी। ये मंदिर है, इसकी भी आपको कहानी सुनाएंगे। इधर से कमरे तोड़ दिए हैं, कुछ और बनाएंगे। ये हमारे गांव का, देखो गांव में भी कितनी मेरे डेवलपमेंट हुई। तो इस मंदिर से बहुत इम्पोर्टेंट एक कहानी जुड़ी हुई है, जो कि है जो यहाँ पे आइडल्स हैं जगन्नाथ जी के, वो जगन्नाथपुरी से चोरी करके लाई गई है। हमारे पंडित है इस गांव के, तो उनका मन किया कि मैं जगन्नाथ जी को अपने गांव में लाऊं। एंड एक और अमेजिंग और शॉकिंग बात वो है कि वो जगन्नाथपुरी से इन आइडल्स को लाए थे, और वो भी पैदल। वो सोचने वाली बात है, उस टाइम पे पैदल लेके आए थे। और हमारी फैमिली के लिए ये मंदिर और भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जो मेरे दादाजी थे पापा के फादर, उनकी जो बुआ थे उन्होंने इस मंदिर को बनाने में हेल्प की थी उन पंडित जी की, अपने मल्टी प्रॉफिट या जैसे भी वो हेल्प कर सकते थे उन्होंने उनकी हेल्प की थी। तो हमारी फैमिली के लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंस रखता है ये मंदिर, और कोशिश करते हैं हम जितना भी आ सके यहाँ पे आते हैं। तुसे इत्थे रोज सेवा करदे हैं? हां जी हां जी हां जी, यानी निस्वार्थ सेवा, कोई पैसा कोई देना नहीं। महाराज ये मंदिर दा सामने है, इन्हें कोई पैसा देना नहीं। हाय हाय, देखो ऐसे लोग भी हैं अभी संसार में, लोग मजाक लेंगे। कोई मजाक नहीं, इतना पुण्य का काम है। ए, तुसे वीडियो बना दिए नहीं? हां जी, इधर विच गल भरवा दी होनी। हां ये मीडिया च नहीं लेंदे इस पिंड दे। नहीं नहीं नहीं, बहुत अच्छा काम है। कुड़मन में त्रै मुड़े ब्याह दे, त्रै नूहां। अच्छा, फिर गलबात है भगवान दे अगे जाना। देखो ये देखो है ना निस्वार्थ, मैंने सुबह भी बताया आपको, कोई पैसा कोई तेला नहीं है, कोई कुछ नहीं है। तो देखो कितनी श्रद्धा है अपने गांव के प्रति, अपने मंदिर के प्रति, अपने लोगों के प्रति। ये देखो ये देखो, इन्होंने खुद ही अपना झाड़ू बनाया खुद ही। वीडियो बंद करके कोशिश की, नशा भी छोड़ वीडियो अभी बंद कर दी थी। मैंने बोला हम वीडियो के बाद ऐसे देते हैं, पर नहीं मानने। ये 50 रुपए लेने के लिए नहीं मानने, बाकी तो बताओ आप। ये देखो लिए, हमने बोला वीडियो बंद कर देते हैं, आप ऐसे हमारी तरह खुशी से बोलते नहीं, बिल्कुल नहीं। करेले देखो, 1.5 करेलों का। और करेला देखो भाई, इतना बड़ा बड़ा करेला आपने देखा कहीं? इधर से लेके इतना इतने बड़े करेले हैं हमारे।
ये देखो कितने बड़े बड़े करेले। मर्ची देखो चूचू मर्ची। अभी एक घर की खेती है, हमारे बेटा हमारा तोड़ के लाया करेले सारे। ये सारे करेले हम डाल दो लिफाफे में, सारे करेले लिफाफे में डाल दो। हम इसका डालेंगे अचार। कितनी सब्जी खाएंगे भाई, इतनी सब्जी भी खाई जाती है। अब हम अलविदा ले रहे हैं अपने गाँव से, अपने घर से। अब घर से फिर बस स्टैंड से लेंगे अलविदा। हम जा रहे हैं वापिस दूसरे गांव में जहां मैंने ड्यूटी की है 14 साल। अब वहां के आपको सैर कराएंगे, बताएंगे। उसकी जगह का नाम है खून। खून नाम सुन के बोलते खून, ब्लड ना की जगह का नाम है खून। उधर जाके बताऊंगी मैं। मेरे गांव की दुकानें गांव की लहसुन खरीदा इधर से इन्होंने। ऊपर मंकी के लिए जाला बनाया कि मंकी नहीं ऊपर चढ़ जाए। अब हम जा रहे हैं, गाड़ी में बैठ के जा रहे हैं जहाँ मैंने ड्यूटी की हुई है। अब हम ख्याल को करते हैं बाय बाय। हम चलते हैं से गेहूँ लेके आए हैं मेरे देवर जी। अब ये दुकान उधर छोड़ेंगे चक्की पे, और चक्की पे छोड़ के उधर से आटा लेके चले जाएंगे। रास्ता देखो मस्त। अब हमने रास्ते में लेनी है कलाड़ियाँ जो दूध से बनाई जाती हैं। जम्मू के लोगों को तो पता है, जो बाहर के लोग हैं उनको नहीं पता होगा। ऐ जो पनीर टाइप होता है, पनीर गिल्ला गिल्ला होता है, वो सूखी सूखी होती है। दिखाएंगे हम। ड्यूटी की हुई है इधर, इधर जाते हैं देखते हैं मेरा पहचान का कोई है तो ठीक है, नहीं तो 2 मिनट बात करेंगे और आ जाएंगे। इधर की बड़ी रोजी रोटी खाई, इधर मत्था टेक ही लेते हैं। वाह, एम्बुलेंस उस वक्त नहीं थी। मे आई हेल्प यू, प्राइमरी हेल्थ सेंटर खून। देखते हैं कौन कौन। हाँ टक्कर नहीं जगह कितना, अब तो टूट गया नया था सर। गुड मॉर्निंग, बस ठीक है। ये तो और मॉडल हो गई है। मेरे बोला लगता वही नहीं है। बैठो आओ छोटी शिवांगी, सेम कॉपी सेम। बैठो, कितनी बड़ी हो गई है। बड़ी हो गई है, बैठो। देखो शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। अगर अपनी आंटी की ये ब्लॉगिंग अच्छी लगी हो, लाइक शेयर और कमेंट जरूर करना। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हो वो सब्सक्राइब भी करें। और आगे के लिए और अच्छे से वीडियो बनाऊंगी। अति कम है मुझे बनाना, लेकिन कोशिश जरूर करूंगी और बनाती रहूंगी, आपका मनोरंजन करती रहूंगी।